फैक्ट नंबर एक। गाइस, क्या बॉलीवुड में एक बार फिर शादी की शहनाई बजने वाली है और एक हाई प्रोफाइल शादी होने वाली है? जी हाँ गाइस, खबरों के मुताबिक कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शादी की पूरी तैयारी कर ली है और ये कपल इस नए साल में 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस कपल ने शादी के लिए राजस्थान के रॉयल जैसलमेर पैलेस को चुना है, जहां बहुत सी रॉयल और आलीशान तरीके से शादियों को अंजाम दिया गया है। दरअसल इन दोनों के बीच लव अफेयर की शुरुआत फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान ही हो गई थी। हालांकि इस बीच इनके ब्रेकअप की खबरें भी गर्म होती रहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और फाइनली दोनों ने ही शादी का ऐलान कर दिया है। फैक्ट नंबर दो। गाइस, KGF और RRR मूवी ने साल 2022 में जितनी मिलकर कमाई की थी, उतनी कमाई तो बॉलीवुड की 50 फिल्में भी मिलकर नहीं कर पाई। जी हां गाइस, साल 2022 में बॉलीवुड की 50 फिल्में रिलीज हुई थी और ये सभी फिल्में सिर्फ 2000 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई, जो कि KGF और RRR के टोटल कलेक्शन 2400 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए कम है। यही नहीं, यह आंकड़ा इतना ज्यादा कम है कि कोरोना के टाइम पर भी जब थिएटर बंद थे तब भी बॉलीवुड ने इसे डबल कमाई की थी। वहीं अगर टॉप फिल्मों की बात करें तो इसमें से सिर्फ 5 फिल्में ही ऐसी थी जो कि हिट हुई, जिसमें से द कश्मीर फाइल, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र, गंगूबाई काठियावाड़ी और भूल भुलैया 2 जैसी हिट फिल्में शामिल है। हालांकि इनमें से भी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो कि 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाई हो, लेकिन फिर भी इन 5 फिल्मों ने लगभग 1000 करोड़ की कमाई कर ली थी जो